नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। हिंदी भाषा जो हर भारतीय की जुबान पर होती है, ये वो भाषा है जिससे कई भाषाओं का निर्माण हुआ है। अपनी भाषा के प्रति लगाव और अनुराग देश प्रेम का ही एक रूप है। हिंदी ने सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोकर हमेशा अनेकता में एकता की भावना को साबित कर दिया है। ऐसे में 10 जनवरी का दिन देश में हिंदी प्रेमियों के लिए बहुत खास है। आज ही के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए साल 2006 में हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था। तो चलिए आपको इस दिवस की शुरुआत और संविधान में हुए इस भाषा के जिक्र के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दुनिया में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसका प्रचार प्रसार करने के मकसद से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उसके बाद भारत के बाहर मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनिदाद, अमेरिका आदि देशों में भी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा। इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने सहमति से हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इस हिंदी पखवाड़े के दौरान मंत्रालय में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जैसे हिंदी अनुवाद, हिंदी टिप्पणी, हिंदी ऋतु लेखन, हिंदी कविता पाठ आदि। संविधान सभा ने हम सबको ये संवैधानिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंपा है कि हम संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 के अनुसार राजभाषा हिंदी का अधिक इस्तेमाल करते हुए इसका प्रचार प्रसार बढ़ाएं। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि ये भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। बता दें कि अंग्रेजी और चीनी के बाद हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो दुनिया में लगभग 600 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। वहीं बात करें विश्व और राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अंतर की, तो विश्व हिंदी दिवस को दुनिया में इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और उनके अंदर जुनून पैदा करना है। जबकि कई लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस को विश्व हिंदी दिवस के साथ मिक्स कर देते हैं, जो हर साल 14 सितंबर को मनाई जाती है। तो इस हिंदी दिवस पर आप सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करें, ताकि हिंदी विश्व में पहले नंबर की भाषा बन जाए। हिंदी भाषा हमारे देश की पहचान है, जिसमें भारत की संस्कृति भी झलकती है। तो अगर आप अपने देश की संस्कृति को कायम रखना चाहते हैं, तो इसका विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। तो अभी के लिए केवल इतना ही। और अधिक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 44 पर।